मैं क्विक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि जो हमने अभी तक किया है। अभी तक हमने किया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, ठीक है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है? जैसे dy/dx का मतलब क्या है ना, अगर x चेंज होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में जो चेंज होगा, ठीक है, उसका रेशियो, यानी dy इज चेंज इन y और dx इज चेंज इन x, ठीक है? उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स दिया था मैं, आई होप यू कॉपी कर चुके हो, ठीक है? एक तो साइनस का बताया था, कॉसेस का बताया था, एक्स स्क्वायर का बताया था, एक्स टू पर एन का बताया था। ये आवाज आ रहा है ठीक से? ये मैं थोड़ा पीछे से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। यस सर, सर बोर्ड नहीं दिख रहा उस साइड का। अरे नहीं, उस साइड का मैंने ना लक्ष्मण का बना रखा है, उस साइड से उसके बाद नहीं लिखूंगा। ओके सर, ये लाइन दिख रहा है बाउंड्री पे? यस सर। हाँ तो उस लाइन के बाद मैं नहीं लिखूंगा, मुझे ही मालूम है। हेलो, हाँ तो dy क्या होगा ना, चेंज इन y अपॉन dx। इसका जरूरत क्यों पड़ता है, तो पहले फिजिकली सब व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी। एक्चुअली शुरू में देखो, अगर तुम इतिहास में देखो तो शुरू में मैथ्स वाज अ टूल जहां पे साइंस अटक जाता था ना, तो सोचते थे अब कैसे रिजॉल्व करें, तो फिर कहीं ना कहीं उस मैथमेटिकल दिमाग कुछ ना कुछ उसको रिजॉल्व करने के लिए निकालते थे। तो ये था शुरू के मैथमेटिक्स का रोल। लेकिन आप तो खैर मैथमेटिक्स सब खुद एक बहुत बड़ा चीज है, बट शुरू में मैथमेटिक्स वाज प्लेइंग मोर ऑफ अ सपोर्टिंग रोल रादर देन अ रोल इटसेल्फ। अब तो मैथ्स ही सब कुछ है, ठीक है ना? चलो तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड स्पीड तो एक्सीलरेशन हो गया। तो क्या करना, एक मिनट, मिल गया। तो क्या रख दोगे क्या, मतलब अभी आपको पूरे टेंशन, आज निकल जाओगे? अच्छा शाम को 5:30 अभी निकल जाएंगे और 5:30 आएंगे। चलो फिर होना आ रहा है, ठीक है ना? हाँ वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूरा करना पड़ता है, यानी क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। अब बताओ ये तो चीज, ये भी तो वही है ना, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, वो तो वेरिएबल का नाम वाई और एक्स है, बट है तो वही चीज ना। ds / dt क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, और dy ds क्या है, चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x। यानी देख रहे हो ना कैसे मेल खा रहा है, यानी क्या कहीं ना कहीं जो डिफरेंशिएशन है ये फिजिक्स से रिलेट करके पहले बना, पहले की बात। अब तो खैर मैथ्स ने अपना काफी जगह बना लिया, ठीक है? चलो एनीवे, तो मैंने इसको कुछ बेसिक रूल्स बताया, ठीक है ना? बेसिक रूल क्या बताया था, नंबर वन बताया था कि अगर y = x, जो पावर है उसको सामने लगाना पड़ता है और पावर का एक पावर जो पावर है उसको एक नंबर, ठीक है? ये मैं तुम्हारा सारा नोट कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरा रोक दूंगा बाद में। x टू द पावर n का हो गया nx माइनस 1, फिर sin x का आता है cos x, cos x का आता है sin x, ठीक है? cos x का आता है माइनस sin x। अच्छा ये कहां से आता है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला एजेंडा है वो है कि कहां से आता है। तो उस दिन मैंने x टू द पावर n का n * x टू द पावर n - 1 होता है, ये मैंने समझा, ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है उससे, पर उसके पहले मैं दो चीजें बताऊंगा, उसके पहले दो चीजें बताऊंगा। नंबर वन, इसको लिख लो, थीटा साइन थीटा और टैन थीटा, ये तीनों लगभग बराबर होगा अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो, ठीक है? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ध्यान रखना, तो थीटा बहुत ही छोटे वैल्यू के होंगे, in that case क्या होगा, sin थीटा tan थीटा थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम। एक दूसरा चीज और भी है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है ना, कभी मौका मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ वो बता दूंगा, बट अभी तो फिलहाल जस्ट नोट कर लो, sin of a plus b, वैसे तो मैंने एक बार जब क्लास ली तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवाया था, जो देखता हूँ मेरे याद है, मालूम है sin of a plus b का फॉर्मूला,
बस तो लिख लो सब तुम लोग भी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ओके अब ये दोनों यूज करके आज हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों है ये हम लोग आज बताते, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं बाय राइटिंग सपोज y इज इक्वल टू sin x, अगर y sin x होगा इन दैट केस y प्लस dy क्या होगा ना, y का नया वैल्यू क्या होगा ना, y का पुराना वैल्यू प्लस सम स्मॉल चेंज, जिसको मैं लिख सकता हूं y प्लस dy है ना, ये डेल्टा y है, वही डेल्टा y को ना, अब मैंने बताया था ना उस दिन की डेल्टा वाला नोटेशन अब हट गया, डेल्टा को हम लोग जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी वाई और डेल्टा वाई सेम चीज है, आज मैं उसको डी वाई लिख रहा हूँ, कल लास्ट क्लास तक उसको डेल्टा डेल्टा लिख, आज हम लोग डी वाई लिखना शुरू कर रहे हैं और आगे से हम डी वाई ये लिख सकते हैं। तो ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एक्स के वैल्यू में कुछ चेंज है ना, इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। ये चीज अब देखो इसके मतलब क्या हुआ, अब y plus dy क्या होगा, sin x plus dx, तो sin a plus b वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो sin a plus b को मैं क्या करूंगा, sin a cos b plus cos a sin b, इसको एक्सपेंशन करो जरा क्या बनता है, sin x cos dx plus cos x sin dx, by the way अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो एक तो मैंने बताया कि थीटा साइन थीटा टैन थीटा बराबर सब में एक चीज और भी होगा वो सब लेकर रख क्या कॉस जीरो का वैल्यू क्या है वन वन है ना ओके अब अगर मान लो सपोज कॉस जीरो का जब मैं पूछता हूँ कॉस जीरो पॉइंट जीरो 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 डिग्री मतलब जीरो जीरो वन डिग्री तो भी तो वन के आसपास ही होगा तो यानी क्या हो रहा है कि अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो सिर्फ साइन थीटा का भी नहीं होता एक और चीज भी होती वो क्या है एक cos theta is equal to 1 actually approximately 1 होता है बट आई थिंक यू ये दो चीजें होता है simultaneously अगर theta very very small हुआ तो फिर क्या होगा ना implies y plus dy is equal to अब जब cos dx आ गए और dx very very small है तो अगर theta very very small होता तो cos theta 1 कैसे होता है ना तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं फिर cos dx हो गया हमारा देखो कोई भी चीज ना बिना कन्विंस से आगे मत बढ़ो कन्विंसिंग लगे तो ही हम आगे बढ़े बाद में तो हमेशा दिमाग में रहेगा पता नहीं कहां से आया क्या हुआ कैसे हुआ ये हमेशा रहेगा बड़ा सिंपल चीज है कोई दिक्कत नहीं cos dx is almost like theta very very small dx is a very very small part तो बेसिकली हो क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस को समझो y का वैल्यू है sin x as per this y sin x अब मान लो कोई x का वैल्यू है जैसे मान लो 30 डिग्री तो अगर 30 डिग्री लोगे तो sin theta क्या होगा अब लेकिन अगर मैं तो 30 की जगह पे लेता हूँ 30.0001 डिग्री तो हाफ तो नहीं होगा हाफ से थोड़ा सा चेंज होगा जो भी चेंज होगा मुझे नहीं पता उस चेंज को मैं लिख रहा हूँ एज डी वाई अब डी वाई क्यों हुआ क्योंकि एक्स में चेंज आया क्योंकि डी एक्स हुआ तो एक्स में चेंज आया तभी तो साइन एक्स में भी चेंज आया तो कितना चेंज आया उसका रेशियो उसके लिए सारा मेहनत करो यानी कितना हो गया साइन एक्स इंटू कॉस डी एक्स कॉस डी एक्स इज थीटा वेरी वेरी स्मॉल तो कॉस थीटा 1 तो डी एक्स भी तो वेरी वेरी स्मॉल ये भी 1 यानी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर आएगा साइन डी एक्स डी एक्स इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज चेंज तो साइन डी एक्स अब देखो डी एक्स इज थीटा थीटा वेरी स्मॉल अगर होगा तो साइन थीटा क्या होता है अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है मैं इसको लिख देता हूं कॉस एक्स इनटू डीएक्स चलेगा बेसिकली मैंने क्या लिखा साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं अगर थीटा वेरी स्मॉल हो तो यहां पे डीएक्स तो वेरी स्मॉल है तो साइन डीएक्स को डीएक्स लिख सकता हां हां बेटा सर कॉस डीएक्स को अगर हमने 1 लिया मतलब डीएक्स इज इक्वल टू 0 तो सर अगर हम साइन डीएक्स नहीं डीएक्स 0 नहीं है डीएक्स 0 नहीं डीएक्स का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है जस्ट वाला 0.00001 डिग्री तो वो तो ऑलमोस्ट जीरो जैसे है ना तो कॉस जीरो के आसपास ही हुआ तो नहीं हुआ नहीं
एक्चुअली ये वन तो नहीं होगा, मैं मान रहा हूँ ये वन नहीं होगा, पता कितना होगा 0.9999997। अब क्या इसका इतना हिसाब करोगे, इतना डेसिमल में जाके हिसाब किताब कौन कर, तो हम इसको वन ही ले लेते, इसलिए मैंने इसको ले लिया एज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली वन। और कुछ बोल रहे थे? यस सर, बोल रहा था फिर साइन जीरो भी लेंगे। हाँ बस वो बाकी तो थीटा तो स्मॉल होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, तो ये डीएक्स वेरी स्मॉल है तो साइन डीएक्स को डीएक्स लिख लो। अब इससे क्या होगा देखो, वाई तो साइन एक्स है, अब मैं वाई नहीं लिखता, मैं इसको लिखता हूँ एस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस डी वाई साइन एक्स कैंसिल, यानी डी वाई क्या हो गया कॉस एक्स इनटू डी एक्स, यानी dy dx क्या होता है cos x। अब बताओ ये फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं ना, sin x को अगर डिफरेंशिएट करो तो आता है cos x, कहां से आता है ये ना एक्चुअली शो कर। अब एक काम करो, मैं ना cos का फॉर्मूला आपको पूछ लेता हूं, और अगर पता है तो तुम लोग बता दो, cos a plus b का नोट किए थे, cos a plus b है क्या, देखो जरा तुम में से किसी को मालूम है cos a plus b का फॉर्मूला? किसका? cos a plus b, cos a plus b, हाँ सर यही होता है, बस जो माइनस cos ना, ये नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, माइनस cos a sin b, ना ये अलग होता है, वहां बस है बेटे, नहीं है चल कोई नहीं हो सकता, किसी और पास होता है, cos a plus b का फॉर्मूला लेना आइडिया, तुमको आइडिया मिले cos a plus b का फॉर्मूला? कुछ बता दे, एकदम परफेक्ट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं cos a plus b का फॉर्मूला दे रहा हूँ, और ये जो थर्ड वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का वैल्यू माइनस sin x आएगा, ये आप तुम लोग खुद प्रूव करो, ठीक है? मैंने तो तुमको रास्ता बता दिया कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है, क्योंकि एक थॉट में लॉजिक से आता है कि दिया sin x और डिफरेंशिएट करके कुछ और बदल गया cos x, तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का माइनस sin x ये कहां से आता है, तो ये भी देखना प्रूव किया जा सकता है। तो बस एक फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला दे देता हूं मैं, cos a plus b is equal to लिख लो cos a cos b minus sin a sin b, वाला बात इसके भी प्रूफ होता है, मैथ्स में कोई भी चीज बिना प्रूफ करके नहीं होता, बट चलो ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ विथ हमने ऐसे ही रखा। मैं भी लिखूंगा पर मेरा मत देखना, खुद अपना लिखो, ठीक है? तुम लोग भी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा देखना कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ा बड़ा फॉन्ट करता हूँ, cos x plus dy है ना, ये जो cos x है इसको लिखता हूँ cos x plus dy। अब ये जो है cos dx, cos dx क्या होगा, वन होगा, अभी थोड़े देर पहले बताया था, तो cos dx तो हमें equal to वन, तो बचा क्या cos x है ना, is equal to cos x, क्योंकि dx का वैल्यू approximately वन है, cos x minus sin x into sin dx, ठीक है? तो sin dx को मैं लिख सकता हूँ dx, है ना? यानी sin x into
थीटा और साइन थीटा लगभग बराबर होगा अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो। अब डीएक्स क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो डीएक्स का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए साइन डीएक्स को आ गया साइन डीएक्स का अप्रोक्सीमेट जीरो है, ठीक है। जीरो के बराबर अगर जीरो का करोगे तो चेंज ही नहीं पता चलेगा, देखो जो वाई में चेंज है वो भी बहुत कम है, जो एक्स में चेंज है वो भी बहुत कम है, वो कम अपॉन कम उसी का तो रेशियो चाहिए, तो उनमें से कम को अगर जीरो बना दोगे तो रेशियो कम है ना, हम कम का ही रेशियो जानना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर cos x कैंसिल हो गया, तो dy क्या होगा माइनस sin x dx के लिए, तो dy dx क्या हो गया फिर, यानी प्रोसेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कहां से आता है वो इस प्रोसेस से, ठीक है, ओके। नाउ दैट इज अबाउट योर बेसिक का डिफरेंशिएशन, तो बेसिक डिफरेंशिएशन में तीन कवर हो जाता है, मैंने तीनों का फॉर्मूला बताया और प्रूव कैसे होता है ये भी बताया, बोला बाकी दोनों को प्रूव अभी नहीं बताया जाना चाहिए, बट मैंने बता दिया सर्टिफिकेट कन्विंस कि हां कैसे आता, ठीक है। लगता है कि दिमाग में एक चीज खटकता है कि शुरू हुआ साइन एक्स में डिफरेंशिएट कर cos x, cos x कहां से आया, कोई कोई वजह तो होगा, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन। अब अभी मैंने क्या किया cos x का माइनस साइन x मान लिया, वो भी मैंने यहां पे, ठीक है। चलो अब जो हम करेंगे वो है बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बारी, ठीक है भैया, मल्टीपल होता है तो एक ही तो चेंज, वाई का चेंज और एक्स का चेंज, बस अगर मल्टीपल होता तब तो हम एवरेज कर सकते, सिंपली चेंज बाय चेंज, व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ये चेंज, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होगा बाद में, डेल्टा जो हम यूज करते हैं बड़े के लिए भी आज के, ये सिर्फ छोटे के, ये माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अगर तुमको कैलकुलस यूज करके कैलकुलेट करना है तो dx और डेल्टा x, वैसे डेल्टा x और dx थोड़ा अलग, dx कंपल्सरीली छोटा होता है, डेल्टा x कैन बी लार्ज आल्सो, ये चीज आज आज के दिन बोले बात, जब शुरू हुआ था कैलकुलस तो डेल्टा x वाज ओनली फॉर स्मॉल इंटीजर, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया so that it distinction was a smaller thing, but anyway that does not play any role, abhi clear ho gaya aapko dekha aage sunna sabko, theek hai, aaj tum sara note kar le zarur, theek hai na, main baad mein samjha raha hu, acha aaj hum kuch basic rules padhenge ki jaise maan lo sab ko matlab tumse puchta hu, bole pati kai sara rules itne obvious hai ki main naali bolu to kitne ek kar, mujhe maan isliye rule batane ke pehle main khud ek question, tumhare samne rules to hai ya isko bare mein wala, dekho y suppose I equal to x cube plus sin x, अब बताओ मुझे dy dx क्या होना चाहिए, जस्ट Gracias.
और देखो मैंने रूल तो कुछ नहीं बताया, तो आंसर बताओ अनिर्वाण, आंसर बताओ सर, 3x² प्लस cos x। और आंसर क्या, और आंसर क्या, आपको मैंने कोई रूल तो नहीं बताया क्योंकि ये इतना ज्यादा ऑब्वियस रूल है, इसमें रूल बताने की जरूरत नहीं है। रूल की वैसे इसके ना एक फॉर्मल रूल भी है। फॉर्मल रूल क्या है कि अगर आंसर तो बिल्कुल सही कर रहे हो इसमें क्या कमेंट करूं मैं, ठीक है ना, आंसर तो सही है। जनरल रूल जो होता है वो देखो ना, इसका एक लिखने का तरीका भी होता है, तो ये रूल बताने का फायदा होता है कि लिखने का नोटेशन तरीका ये सब दोनों सीख कर। रूल ये है कि देखो अगर y = f1x + f2x + f3x और ऐसे करके, नाउ ये मैच की सब क्या है, तो जैसे f1x इस केस में क्या x क्यूब, f2x क्या x sin x, fx क्या होता है ना, जो चीज x के वैल्यू पे डिपेंडेंट है उसको fx, यानी x के वैल्यू अगर तुम दोगे तो मैं उस x को यूज करके उसके कुछ वैल्यू निकालूंगा, तो ये fx होता है। जैसे अगर x के वैल्यू 2 दोगे तो मैं fx को बोलूंगा इसके, है ना, 2^3 8 हो रहा है, ये होता है fx का मतलब। एक बार डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि f1x को डिफरेंशिएट, है ना, तो हम लोग इसे लिखते कैसे है, तो आफ्टर Differentiating f1x जो बनेगा उसको लिखते हैं f1-x, ये काम करो fx, तो f'x। इनफैक्ट कई बार तो ये भी नहीं लिखते, कई बार इससे भी छोटा कर देते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं f'। f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f, तो इससे क्या होगा नोटेशन छोटा होगा, बार बार बड़े बड़े चीजें लिखना नहीं पड़ेगा, ये फायदा। अब इसके मैं क्या लिखूंगा, दूसरा रूल का हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये सब देखना मैथ्स में प्रूव होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसको प्रूव करें। तो अगर मान लो y is equal to f into g, fx into gx, सपोज ये है प्रोडक्ट, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा y dash यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करो इनटू सेकंड को एज इट इज रखो प्लस इसको एज इट इज रखो सेकंड को डिफरेंशिएट, यानी f डैश g प्लस f g डैश। तो मैं अब एक काम करो, इसका एक एक्सटेंडेड रूल भी होगा, हमने हाँ मतलब ये कि f डैश मतलब इसको डिफरेंशिएट करो g को एज इट इज, और fg डैश का मतलब क्या हुआ, ठीक है, fg डैश का मतलब क्या हुआ, मैं इसको एज इट इज रखो और g को डिफरेंशिएट, पहले वाले में क्या है देखो रूल क्या है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो सेकंड को एज इट इज रखो प्लस पहले वाले को एज इट इज रखो सेकंड को डिफरेंशिएट, बस यही। अब एक काम करो, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं इसके बेसिस जरा उसका आंसर, सपोज y = fx into gx into some mx, ठीक है, तो y dash क्या होना चाहिए ये बता, लॉजिक लगाओ, मैंने तो रूल तो बताया नहीं,
बट लॉजिक तो लगा ही सकते हो ना, तो लॉजिक लगा के बता दो कि अगर y equal to fx into gx into mx है, in that case y dash क्या हो, ठीक है, चलो बताओ। तो बताओ बेटा, f dash gm plus f dash m plus f g m dash। अब तो इसको सुनना रहेगा, अब तो मैं पांच से भी दूर बता दूंगा लोग, यानी बेसिकली क्या कि सबको मल्टीप्लाई में रखो, एक को डिफरेंशिएट, फिर अगले में क्या सबको मल्टीप्लाई रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट, फिर अगले में सबको मल्टीप्लाई करके थर्ड को डिफरेंशिएट, एंड सो ऑन। बस ये एक स्टेप, ये होता है प्रोडक्ट रूल, ये होता है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। जैसे कंपेयर, अब दो फंक्शन दिए, हां दो दिया, उसी का बोलते हैं, देखो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और ये जो लिखा है मैंने ये वाला, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। यानी ये प्रोडक्ट रूल इतना आसान है कि अगर इसमें पांच से भी डाल दो तो क्या होना चाहिए, जिसके लिए तुमको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे देखना तुम खुद ही कर लो, तब रूल सॉल्व हो गया, ठीक है। और अगर बात है मैथ्स में सब प्रूफ भी हो कि ऐसे कैसे काम से होना चाहिए, पहले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड प्लस पहले को एज इट इज इसे को डिफरेंशिएट, ये कहां से आता है, ये सब देखना मैथ्स में प्रूफ होगा, ये सब प्रूफ करने का भी टाइम नहीं होता, ऑलवेज देखना मैथ्स क्लास में ये सब चीजें एग्री में आ जाए। अच्छा प्रोडक्ट रूल के एक एग्जांपल करते हैं, प्रोडक्ट रूल का आसान है, इसकी कुछ खास नहीं, इसलिए प्रोडक्ट रूल को थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं। जैसे अभी मैंने दिया था x क्यूब प्लस sin x, अब मैं कहूंगा y इक्वल टू x क्यूब y के नीचे pi by 4 है। अभी बता दो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले डिफरेंशिएशन करो बेसिक।
ठीक है, वो तो गलत नहीं बता रहे इसलिए मैं, क्योंकि साइनस के लिए तो फॉर्मूला से ही बता रहे, बट यहां पे ध्यान रखना पर्टिकुलरली क्योंकि पाई बाय 4 ओके, तो पाई बाय 4 टू द पावर 3 इनटू sin पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय √2 1 बाय √2 हां तो ये 1 बाय तेरे आंसर क्या हो जाएगा फिर द पाई क्यूब बाय 64 योग्य वाई पाई बाय पर वाई डैश पाई बाय 4 के लिए करना पड़ेगा पहले डिफरेंशिएट करो चलो जी करो डिफरेंशिएट प्लस आ लगाएंगे प्रोडक्ट टू क्यों x क्यूब इनटू sin x ठीक है ना x क्यूब इनटू sin x तो बस x के जगह तुमको पाई बाय 4 पुट करना है आफ्टर डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन करके क्या प्रोडक्ट टू लगाओ आप लोग से भरे हुए को निकाल के फिर से ठीक अब ओ चल चल अच्छा तो ऑफिस पहुंच गए क्या तो फोन तो स्वागत है बस है ना नहीं रास्ते में तो नहीं कर रहे अच्छा घर नहीं अच्छा ठीक बता दो देखो इसके डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा पहले तो ना वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इकट्ठे डिफरेंशिएट मत कर देना पहले सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका एज इट यानी sin x प्लस x क्यूब अब x क्यूब का एज इट रहेगा sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x अब मेरे से पूछा जा रहा है y डैश पाई बाय तो वो फिर पुट करना पड़ेगा तो 3x स्क्वायर मतलब हो गया 3 इनटू पाई बाय 4 का होल स्क्वायर इनटू sin x क्या होगा 1 बाय √2 प्लस x क्यूब क्या होगा पाई बाय 4 का होल क्यूब ये पे ये सा कोई बनने लगते नहीं
बार n, x बार का n इंटू x स्क्वायर माइनस 1, तो g पहले आएगा, g आगे, हाँ, g पहले आएगा, और एक x बार का एक कम हो गया, और सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट का एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। इवन चाहे मैंने जनरलाइज रूल मिटा दिया तो मैं नॉट ठीक है, जनरलाइज रूल तो हां ले चुक कर लिया, चलो मुझे f का इक्वल g प्लस g टू f का कर लिया। पाई बाय 4 व्हाट वे डिग्री तो है, लेकिन अब वो डिग्री वाले नोटेशन कर। अच्छा कैसे है, देखो पाई एक्चुअली होता है 180, पाई होता है 180 डिग्री, ये रेडियन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू द, ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो फिर पाई बाय 4 क्या होगा, बड़ी वैल्यू, लेकिन कैलकुलस में अब डिग्री वाला चीज खत्म हो गया, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेडियन वाला ही यूज, बस ये एक चीज। तो ठीक है, अब आते हैं अपने रूल्स पे, थर्ड वाला रूल एंड दैट इज क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल क्या कहता है, अगर y इज इक्वल टू fx बाय gx हुआ, यानी fx अपॉन gx अगर हुआ, तो इन दैट केस y dash यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f dash यानी पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो into g यानी डिनोमिनेटर को as is रखो, माइनस न्यूमरेटर को as is रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो यानी g dash अपॉन डिनोमिनेटर को स्क्वायर करो यानी g स्क्वायर। एक बार ना देख लो और मुझे बता दो अगर कुछ दिक्कत है, ये समझा रहे हैं, g माइनस f f t डैश बाय g g स्क्वायर, ये देख लो ये डिफरेंशिएट नहीं है, ये डिनोमिनेटर के एज इट इज रखे स्क्वायर, ये रूल है। तो काम करते हैं, पहले इसके लिए एग्जांपल करेंगे और उसके बाद लास्ट क्लास में अगर याद होगा मैंने कुछ लिस्ट दिया, क्या दिया था, एक सेकेक्स का दिया होगा, क्या दिया था, सेकेक्स टैन एक्स, मैंने tan x भी दिया होगा, फिर एक cot x का दिया होगा, माइनस माइनस cosec x, और एक cosec x का भी दिया होगा, माइनस cosec x cot x, मैंने कुछ रूल्स दिए थे, पर देखो दिमाग में हमेशा एक चीज खटकता है कहां से आता। तो देखो आज मैंने ये प्रूव कर दिया था लास्ट क्लास में, ये हमने लास्ट क्लास में कर दिया, आज मैंने ये वाला प्रूव कर दिया, ये वाला प्रूव कर दिया। अब एक काम करो, क्वोशेंट रूल का एक एग्जांपल मैं बताऊंगा और उसके बाद जो है तुम लोग देखना ही मुझे जरूरत, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये एग्जांपल थोड़ा जल्दी से मैं ही बताऊं, बस देख कर, ठीक है, मैं उसी को दूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। सपोज y इज इक्वल टू x क्यूब बाय sin x, अभी थोड़ा देर पहले दिया था x क्यूब इनटू sin x, अब मैं दे रहा हूं x क्यूब बाय sin, तो न्यूमरेटर क्या होगा x क्यूब, डिनोमिनेटर क्या होगा sin x। अब एक काम करो, y डैश क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश मतलब होता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x लॉजिक रिलेटिव इनटू g, g मतलब होता है डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर है और उसको एज इट इज रखना, तो क्या होगा 3x स्क्वायर
tan x को लिखो है sin x by cos x, तो sin x होगा numerator और cos x होगा denominator, और उसके बाद अपना differentiation शुरू करो। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से करता हूँ मैं, काम करता हूँ मैं, बेसिक रूल को नहीं हटाता हूँ, रूल को रहने दूँ, रूल को रहने दूँ। इस वाले को देखा तो नहीं है, अरिकाई को देखा जरा, समझ आ गया? अनिर्वाण? यस सर, हो गया मेरा। अरे काम करता हूँ मैं, टाइमिंग्स का शुरू करा देता हूँ, बाकी तुम ही लोग को करना। सर हो गया। इस जी पॉइंट को टाइमिंग्स मत देखना, इसको लिखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब तो मैं क्वेश्चन लूँ मेरा, तो वाई डैश क्या होगा? शुरू करो। तो cos x as it is and sin x का differentiation cos x, तो हाँ ये नहीं 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 अगलू का पहले तो sin x का differentiation cos x यानी cos x into denominator g यानी cos x minus f, f मतलब numerator, f में क्या numerator है? sin x minus sin x minus sin x। अब denominator का differentiation cos x का differentiation क्या है? माइनस साइन, यानी आपकी विंडो में मैं माइनस साइन एक्स अपॉन जी स्क्वायर, जिसका मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना, यानी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट याद है ना कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इस इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, ये कोई भी रूल ना कहीं आसमान से नहीं टपकता है, सब रूल्स अच्छे से मैथमेटिकली। अब एक काम करो, sec x करो, ठीक है sec x करो। अब sec x का रूल क्या है? अब मैं रूल वगैरह मिटा देता हूँ, अब तो कैलकुलस हो गया रूल का। Before you do this, एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो। Y का वैल्यू दिया मैंने 43, ठीक है? वरना आरुष, साथ में तुम बताओ जरा वाई का 43 होगा तो डिवाइड इसके कितना? जीरो जीरो का लॉजिक क्या? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ही बता रहे, बट इस तरीके से आपसे मैथमेटिक्स नहीं चलता ना, कुछ है नहीं तो देखो जीरो, कई बार कुछ है नहीं इसलिए इनफाइनाइट भी होता है क्या? वन ऑफ वन कुछ नहीं अब तो इनफाइनाइट आंसर हो गया, इसलिए जरूरी नहीं कि कुछ नहीं है तो आंसर जीरो कुछ नहीं का आंसर कुछ और भी हो सकता है। कैसे? b प्लस कुछ नहीं तो क्या होगा? b होगा, इसलिए कुछ नहीं है देखो जीरो, ये कई जगह फेल हो जाएगा, इसलिए मैं मान तो रहा हूँ तुम्हारा आंसर तो गलत नहीं है, बट जिस तरीके से बता रहे हो उतना मॉडल इसी तरीके से। और कोई 43 का डिफरेंशिएशन का आंसर जीरो आएगा, क्यों आएगा? कांस्टेंट का जीरो होता है, तुमने याद कर लिया। अच्छा इसका लॉजिक क्या है? एलएन तो अलग होता है, एलएन का भी अलग ही रूल्स है। ओके देखो, पहली बात तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। अब बताओ जो चीज कांस्टेंट है उसका तो चेंज ही नहीं होता, या इसको एक और लैंग्वेज से कह सकते हो कि चेंज इज इक्वल टू 0, तो जब चेंज इज इक्वल टू 0 है तो रेट ऑफ चेंज कहां से निकलता है? चलो ये तो एक और आइडिया पे हो गया, ये तो मैं डिस्कस भी नहीं किया हूं, स्लो होता है काम, तो बाद में डिस्कस अभी तो वो सब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो तुमने शायद स्कूल में पढ़ लिया हो इसलिए आंसर बता रहा हूं, मैंने अभी तक स्लोप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है ना? मैं तो इसको मैथमेटिकली देख रहा हूं, ये चीज तो बता रही ज्योमेट्री रिलेटेड, अभी हमने ज्योमेट्री में स्टार्ट नहीं किया, करूंगा तो उसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे।
द पॉइंट इज दैट एक चीज याद रखना इज दैट हमेशा कि जब भी कोई फंक्शन कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर होगा तो dy dx इक्वल टू जीरो है इसका जरूरत पड़ेगा अब आगे करो हेलो हां अब मुझे नहीं याद नहीं अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है तो अभी तो मैं 17 मार्च तो आज ही मिली है ना इवनिंग का टाइम नहीं पता मतलब मैं शायद यहाँ पे 3:30 के पास उसके बाद अच्छा अच्छा देखो उल्टा हो गया हाँ कॉल कर क्यों मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस चीज का क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है वन है कांस्टेंट इसलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन कि वन की वजह से नहीं 43 भी होगा तो भी जीरो जाए चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट तो वाई डैश क्या होगा न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन जीरो इनटू कॉस एक्स एज इट इज तो क्या जीरो के साथ कॉस एक्स को क्या बोल सकते हैं माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स लो जी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर x यानी इसका आंसर क्या है माइनस माइनस प्लस तो sin x बाय cos x और एक cos x को ऊपर ले लो तो क्या होता है ना sec x के साथ तो sin x बाय cos x क्या होता है tan x यानी इसका आंसर आ गया sec x जब मैं sin को करके डिफरेंशिएट तब भी उसमें नहीं पहले वो सीक्वेंस तो वही होगा पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज सेकंड होगा उसका डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर सीक्वेंस तो वही है सीक्वेंस चेंज नहीं है सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते वो अलग बात है यहां पे जीरो है इसलिए पता नहीं किसको तो आगे पीछे कर लो कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना ये चक्कर बट अदरवाइज फर्क पड़ सकता ठीक है इसे रूप में माइनस माइनस साइन एक्स अच्छा मतलब तुमने उल्टा कर दिया हाँ तो फिर तुम्हारा ये वाला माइनस नहीं आ रहा तो इस चक्कर तुम्हारा माइनस आ रहा होगा तो माइनस का कैसे कटा अगर तुम इसको पहले डिफरेंशिएट तो माइनस साइन एक्स ये माइनस तो नहीं होना चाहिए यहाँ तो माइनस है नहीं यहाँ तो प्लस है बिल्कुल दो मिस्टेक और दोनों मिस्टेक में माइनस माइनस के चक्कर में प्लस चल ये तो माइनस की बातें बट हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट होते हैं याद करके देखो तुम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर कि रूट थ्री माइनस वन अगर नीचे आ रहा है अजीब सा लग रहा है तो रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर उधर वो स्क्वायर वायर होकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कि हमेशा एक कोशिश आता है मैथ्स में कॉन्शियस कोशिश कर लो या कॉन्शियस कोशिश कर लो कि डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये रहा जाता है तो इससे हमने क्या किया इसको टेन एक्स बना के सेकेंड बना के सब कुछ डिनोमिनेटर कर कोशिश चलो ठीक है नेक्स्ट वाला तो अपने आगे कर ही लोगे कॉन्टेक्स का कर लो जरूर बड़ा अब हो जाएगा फटाफट जल्दी दिखा फिर हम आगे बढ़ो
लॉग करा दो।
बस दो मिनट रुक जाओ, तुम एक काम करो, इस रोल को मिटा दो, मतलब मिटाओगे क्या, रहने दो, एक दो लाइन छोड़ दो, मैं अभी आता हूँ वापस। लॉग फिजिक्स में तो कम यूज होता है, बट प्लस में ज्यादा यूज होगा, केमिस्ट्री में जो यूज होगा, केमिस्ट्री में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो केमिकल काइनेटिक्स के प्रेजेंस में वहां पे, लेकिन हां थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, कहीं इक्विलिब्रियम में यूज होगा, फिर पीएच, पीएच में पीएच का कंपोजिशन लेवल 3 आप तो पीएच का लॉग जरूर कर लेना, हां उसको 10 दे सकते। चलो आज मैं लॉग का इंट्रोडक्शन कर, ठीक है ना, अरे तुमने इससे ही रहेगा, प्री क्लास में भी डिफरेंशियल इतना ही होता है, ऐसे ना हम आगे बढ़ जाए फिर क्लास फिर रिपीट होता रहेगा। आज मैं लॉग करा रहा हूं, देखो हम लोग अक्सर इस टाइप का रिलेशन लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का मतलब होता है जो कि पावर में 10^3 = 1000। अच्छा ये ना मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूं, ठीक है, अभी अच्छे से समझ लो, इसके पहले वाले में बीच में आए थे तो आई डोंट नो, इंडेक्स फॉर्म होता है 10^3 = 1000। इसी रिलेशन को एक और फॉर्म में लिखा जाता है लॉग, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, लॉग 1000 base 10 = 3। इसका पढ़ने का तरीका सुन, लॉग 1000 base 10 = 3, मैं को लिख देता हूं, लॉग 1000 base 10 = 3, ये इसका लैंग्वेज। इसके इंट्रोडक्शन क्या है, यहां पे जो भी नंबर है उसको इतने पावर कर लो, यानी 10^3 तो आंसर 1000 है, इसके सर्कुलर रिलेशन को है, ठीक है, मतलब बेस से स्टार्ट करके नंबर पे जाओगे, सॉरी इधर राइट हैंड साइड पे जाओगे और फिर वो नंबर पे, बाय द वे जो 1000 होता है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर, यानी जिस नंबर का लॉग तुमको निकालो, ये जो 10 होता है, 10 या जो भी और नंबर होगा, आज 10 है कल 7 है, 10 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, और ये जो 3 है इसको हम लोग बोलते हैं लॉग वैल्यू, ठीक है, लॉग वैल्यू पहले बोलते हैं क्या होता है, पावर, ठीक है। अब एक काम करो, एक तो पहले मेंटल एक्सरसाइज कर लो, मैं कुछ ब्लैंक्स छोड़ रहा हूं, उसको आंसर करो फटाफट, लॉग चारों में एक एक बॉक्स खाली है, तो चारों में बॉक्स होते हैं, कोई लिखो कॉपी में, तुम लोग भी लिखो बच्चे, उसको कॉपी में लिखो और एग्जैक्टली लिख के फिर ब्लैंक को भरो, फिर मैं पूछता हूँ, जल्दी करो, मुझे पता है एक आध तो और लिख के बता दो, पर हर एक का शायद और लिखने उतना आसान नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे और लिख हो जाएगा तो एक्सपोजर भी बढ़ेगा। शुरू करें, तो तुमसे शुरू करते हैं, हाँ टू एट, क्योंकि 2^3 एक होता है, ठीक है ना, इसलिए पहले वाले का हो जाएगा 2, ठीक है, शायद तक एक काम करो, तुम लोग को मैसेज करें आंसर दे दो, अच्छा मैसेज आया हुआ है, ठीक है, पहले वाले का तो ये सब्सक्राइब आ रहा है, तुम बताओ सिक्स आंसर, बिल्कुल, यानी √3 को क्या पावर करें, 27 बने तो 6 ही आंसर। अच्छा ये तो थोड़ा सा मेंटली कर सकते हो, दैट इज वन वे, बट अगर फॉर्मली करो तो क्या लिखूंगा, √3 to the power x, तो x मान लेता हूं, इज इक्वल टू 27, तो 3 को लिख सकता हूं 3 to the power, तो √3 को
टू द पावर एक्स इक्वल टू 27, 27 को लिखते हैं 3 टू द पावर 3, क्योंकि हमें बेस को बराबर करना होता है। तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3, बस आई थिंक एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 3, तो यानी एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सब बात करने की प्रेजेंट ऑफ देन एक्स का वैल्यू 6 आ गया, तो 6 आ गया। अब थर्ड बताओ, रूट 5, रूट 5 चलेगा? यस। ओके, अब देखो इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि हमें पहले सोचना पड़ता है कि पावर क्या है, मतलब ये सब कुछ 5 के ऊपर 125 होता है 5 का पावर, तो देखो यहां पे भी 5 का ही कोई ना कोई पावर, क्या पावर होगा मुझे नहीं पता, बट लेट्स राइट इट एज 5 टू द पावर x, ठीक है। तो 5 टू द पावर x टू द पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 125। ये हो गया एक तरीका, और एक और तरीका कि इसी को x मान लो, एक और तरीका पर चलो कोई नहीं, पहले इसको कर लेते हैं। तो यानी 5 टू द पावर 6 x इज इक्वल टू 125, क्या 5 टू 5 टू 5 डिवाइड टू द 3, अब दोनों को बराबर करो तो 6x इक्वल टू 3, इससे x इक्वल टू हाफ आ रहा। पर रुक जाओ, अभी हड़बड़ी में मत कर, क्यों कई बार लोगों का दिमाग पता कैसे करता है कि चलो x को हाफ आ गया नहीं, यानी आंसर ना, जी नहीं आंसर हाफ नहीं है, क्यों कि तुमने इसको 5 टू द पावर x लिया और ये पूरे चीज आंसर है, x आंसर नहीं है, तो देखो 5 टू द पावर x यानी क्या होगा, 5 टू द पावर हाफ, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर हाफ यानी रूट 3। ये होता है इसका एक तरीका, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, दूसरा तरीका है कि इसको तुम x ही मान लो, x मान लो, तो क्या होगा, x टू द पावर 6 क्या होगा, 125, इसको लिख देता हूं 5 टू द पावर 3, अब इसको लिख दो x स्क्वायर टू द पावर 3, अब ये मेरा 5 टू द पावर 3, यानी x स्क्वायर क्या हो गया 5 आ गया, है ना, कंबाइन कॉमन करेंगे ना, तो x स्क्वायर कितना 5 आ गया, तो x कितना आ गया ना रूट 5, ठीक है। तुमने आंसर तो दे दिया साइंटन, एक है 2, लेकिन अगला 6 कौन सा आंसर दे रहे हो, 6 वाला समझ में नहीं आ रहा, और अनिर्वाण, अनिर्वाण तुम्हारा आंसर नहीं आया, यानी क्या होगा x स्क्वायर इज 5, इससे पता चल गया x स्क्वायर इज 5 यानी x इक्वल टू रूट 5, तो ये रूट 5 आ गया हमें। अब इसका आ जाए, ये तो सबसे आसान है, क्यों क्योंकि 6 टू द पावर 2 तो डायरेक्टली आ गया, 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू दिस, इससे आसान हो गया, ये तो सबसे आसान, यानी हो गया 36। बट यू नो व्हाट, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये अगर तुम फॉर्मूले करो तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट टाइम लगेगा, इसलिए काम करो, थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज किया जाए और कुछ लॉ मैं पूछूंगा उसका आंसर सोच के देना, जैसे ये लिख के क्या है ये तो सोचा जा सकता है, इसको लिखने की इतना कोई जरूरत नहीं, ये तो पहले पहली बार करना है, सिस्टम ने लिख के दिया है। सपोज मैं पूछता हूँ, तुमसे पूछता हूँ लॉग लॉग 81 बेस 27, लॉग 81 बेस 27 लिख के वाला तो हो गया, कोई नहीं आंसर रेडी रखो, log 81 बेस 27, मैं वो वाले पूछ रहा हूँ जिसमें थोड़ा सोचने में दिक्कत है, अगर मैं पूछा तो log 81 बेस 9 तो धड़ सा आंसर है, 9 के बाद 2 ही देख के बाद कुछ ज्यादा इजी हो जाता है, इसमें जब 27 log 81 बेस 27। चलो तुम बताओ 4/3, ठीक है। एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ इसमें सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, देखो हमें क्या करना है, log 81 बेस 27 यानी 27 को कुछ पावर ले जाना है सो दैट वो 81 बने। अच्छा, क्योंकि सब कुछ जो 3 के पावर से चल, तो 27 क्या 3 टू द पावर 3 और मुझे क्या चाहिए 3 टू द पावर 4, क्यों 81 3 टू द पावर 4 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 को 3 कैसे बनाऊंगा, पावर 1/3 करोगे, क्यूब रूट करोगे 1/3 होता है, और एक बार 3 बन गया तो उसको 81 कैसे बनाओगे, तो द पावर 4 करोगे, यानी एक 1/3 भी है और एक 4 भी है, यानी आंसर करो 4। ये तो विजुलाइजेशन करने का तरीका बता रहा हूं, तो log 81 बेस 27 अगर है तो पहले 27 को 3 करो बाय मेकिंग इट क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 1/3, और एक बार 3 बन गया फिर उसको टू द पावर 4, तो 81 बन गया, यानी 1/3 भी किया और टू द पावर 4 भी किया, आंसर आ गया 4/3। तो ठीक है, एक और पूछता हूं मैं, तुम बताओ बेटे log 125 बेस
25 log 125 base 25 उसने ये सोचो कि सब कुछ 5 के पावर क्या है ये सोचो तुम लोग बताओ बेटे लॉग मैसेज करके बता सकते हो लॉग 125 बेस 25 अनिर्बान सायंतन बताओ यस सर सर भी लॉग 125 बेस 25 सही पूछा होगा सर 3/2 और फिर उसको क्यूब करके 125 भी किया और टू द पावर हाफ भी किया 3/2 बाकी तो फॉर्मल तरीके से कहीं होगी ये इसी तरीके से पता है लेकिन मैं उसके अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुधर पाई नहीं चले कहाँ लिखते लोग लिखते पता रहे ठीक है यानी लॉग 125 बेस 25 हो गया 3/2 ओके अब थोड़ा सा और आगे का सोचते हैं तुम बता बेटे लॉग 27 बेस 1/81 लॉग मैं लिख रहा हूं बट तुम लोग लिखना नहीं हाँ कुछ से लिखो तो दिक्कत नहीं बट सोल्यूशन मत लिखना स्टेप्स लॉग 27 बेस 1/81 माइनस 3/4 जब ये हटा बैठा दो लगता है जैसे लगता है जैसे गरम सूप पीने दिया और चम्मच वैसे माइनस 3/4 इज अ वेरी गुड आंसर पिक आंसर दे माइनस 3/4 इज अ करेक्ट आंसर है वो सोचने का तरीका क्या पहली बात तो 1/81 को तो कितना भी उठा ले इधर उधर कर वो तो कभी भी नहीं समझ आता इसके सबसे पहले करना पड़ेगा उसको उल्टा मतलब 1/81 से पहले 81 पे चलेगा कैसे करोगे मतलब पावर माइनस 1 तो 1 माइनस 1 तो रख लो रिजर्व ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 1/81 को तुम जो मर्जी पावर करो टू द पावर हाफ कर लो टू द पावर 1/5 को कर लो टू द पावर 3 कर लो 4 कर लो कभी भी 27 नहीं बन सकता वो 1/1 कुछ ही बनता है देखो सबसे पहले तो चीज की 81 होना यानी पावर माइनस 1 चलो 81 बन गया है तो सब कुछ 3 के पावर में तो 81 को 3 बनाना है तो क्या होगा फोर्थ रूट तो नहीं माइनस 1 भी किया फोर्थ रूट का मतलब 1/4 भी किया अब 3 तक पहुंच गया अब हम उसको 27 बना रहे थे 3 × 3 × 3 × 3 देन टू द पावर 3 भी किया टू द पावर 1/4 भी किया और टू द पावर माइनस 1 भी किया यानी क्या हो गया माइनस 3 ये सही चीज है पर डर मैं बचना चाह रहा था इस चलो कोई नहीं लेकिन मैं सॉल्व तो कर दूंगा ऑब्वियसली बट थोड़ा सा इसमें सोचने का प्रोसेस को फिर से बताऊंगा ठीक है देखो एग्जाम में तुम कैसे कर रहे हो कौन देखने वाला है लेकिन देखो अगर तुम इस तरीके से करो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उससे क्या होगा जल्दी होगा माइंड खुलेगा और तुम्हारा टाइम भी बचेगा देखो ये सब सारी चीजें हमारे लिए वाइटल है अगर इसका एक कब तक मैंने सॉल्व कर लिया इसको परफॉर्म तरीके से तो मैं दोबारा समझा दी 1/81 को पहले मैंने 81 बना तो टू द पावर माइनस 1 एक माइनस 1 को फिर 81 को मुझे 3 तक ले जाना यानी 81 क्या है 3 टू द पावर 4 है तो अभी उसका 1/4 पावर करोगे मतलब फोर्थ रूट करोगे तब जाकर 3 बनेगा तो माइनस 1 हो गया 1/4 कर दिया अब 3 को मुझे 27 तक पहुंचा 3 × 3 × 3 टू द पावर 3 तो तीन चीजें किया माइनस 1 1/4 3 दो मिला के माइनस 3/4 ठीक है ना ये हो गया ओवरऑल अप्रोच बाकी जरूर करके दिखाऊंगा तो 81 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर x ये आंसर x है इज इक्वल टू
27 इसको लिख लो 3 टू द पावर माइनस 4 तुम बताओ बड़े लॉग लॉग 25 बेस 125 रूट 5 यानी log 25 बेस 1 अपॉन 125 रूट 5 स्टेप बाय स्टेप दिस 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 फिर आंसर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उससे थोड़ा सा कठिन माइनस 4 बाय 7 आंसर नहीं आ रहा है क्या चक्कर है इसका समझ में आ रहा है नहीं अच्छा पिछले का आंसर आया था वैसे माइनस 3/4 हाँ ठीक है पिछले का तो सही था अच्छा निर्वाण तुमने पहले गलत किए थे बट बाद में सही कर लिए साइंस का आंसर नहीं आ रहा है तो पहले तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा तो माइनस वन और ये 7/2 है तो उसको 2/7 कर अगर मान लो 5^7/2 है उसको 2^7 करोगे तो जाके तो 5 मिल जाए देखोगे 2/7 उसके बाद क्या है 5 को 25 बनाना 3 × 2 यानी क्या क्या हो गया माइनस वन 2/7 2 यानी माइनस 4/7 log a base b plus log c base b अगर base same है और अगर log added में है ये product में convert हो जाता है तो लिख लो log a c base b ये मैं कर रहा हूँ obviously अगर plus में अगर multiply होता है तो minus में divide होना चाहिए इसके अगला वाला तो division वाला ही है log a base b माइनस लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए बाय सी बेस बी या थर्ड आंसर ये रिवीजन वाला थर्ड इट लॉग ए टू द पावर एम बेस बी अगर है ये एम बाहर आ जाता है एम लॉग
और फोर्थ हो गया बेस टू इंटरसेप्ट, मैं पहले लिख रहा लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सब प्रूफ है मैथ्स में ऐसे कोई चीजें जो मुझे बिना प्रूफ कर दो अब तुम लोगों ने क्लास नाइन के अंदर एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि बिना प्रूफ के याद किए उन सब के भी प्रूफ कौन का वन वन बाय थ्री पाई स्क्वायर है प्रूफ का प्रूफ ही एक प्रूफ नहीं है बताता प्रैक्टिकल कैसे एक सिलेंडर ले लो और सिलेंडर के हाइट के बराबर एक कोन ले लो और उसके बेस बराबर होना चाहिए फिर वो क्या कहते हैं ये काम करना वो जो सिलेंडर है उसमें निशान लगा इक्वल इक्वल ठीक है और कोन ले लो कोन को पानी में भर के सिलेंडर में डाल दो देखना जितना निशान होगा ना उसके वन थर्ड जगह तक पानी ये प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया बट दैट कैन नॉट बी प्रूफ ना हो सकता है उसमें 1-2% का एरर है क्या पता अरे वो एरर अलग चीज हो गया वो जो अलग चीज है प्रैक्टिकल अगर अगर इसमें 1-2% एरर है वो तो पता नहीं चलेगा ये भी एक तरीका है कि तीन कोन ले लो और अपना पूरा सिलेंडर तक भर जाएगा ये मैं सब एग्री कर रहा हूँ बट प्रॉपर प्रूफ प्रूफ ये इस तरीके का प्रूफ नहीं होता पानी डाल डाल के आ गया ये नहीं करते प्रॉपर प्रूफ प्रूफ होता है ये कैलकुलस जब इंटीग्रेशन सीख लेंगे सब करा 4/r² अब उच्च कैसे करोगे कि कोई चमड़ी लेके ढक दो है ना खोल दो और फिर इसके निकाल दो कहाँ से करते हो ये सब प्रूफ और बहुत आसान प्रूफ जैसे कौन का तो बस 2-3 लाइन का इंटीग्रेशन जब सीख लेंगे तो इतना करा देता हूं 2-3 लाइन का प्रूफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का थोड़ा सा मुश्किल है मतलब उसका आधे फेस का इंटीग्रेशन है बट कौन का तो बहुत एनीवे दिस इज द बेसिक रूल्स अब एक काम करो ये सर बेटा तुम अब एक काम करो इनके ऊपर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो मैं पहले पूछ रहा था ठीक है जब बेस का वैल्यू e होता है तो ये होता है log x बेस e तो log x बेस e अगर होता है तो उसको ln नाम दिया जाता है स्पेशल नोटेशन और इसके नेक्स्ट क्लास में e क्या होता है तो मैंने अगर याद होता ये वाला गेम दिया तो e होता क्या वो पहले ले e का वैल्यू होता है 1 upon 0 factorial plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial ऐसे पूरे इंफिनिटी तक चलता है यानी एंडलेस हो गई बट देन इसका मतलब यही कि वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है और अप्रोक्सीमेटली 2.72 के आसपास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट तो नहीं क्यों तो पूरे 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर अपना क्या आइडिया है फैक्टर का आइडिया नहीं आइडिया चलो मैं बस बता रहा हूँ वो भी फैक्टोरियल क्या होता है प्रोडक्ट बस एक एक्सेप्शन है याद रखना जीरो अब मुझे बताओ dy dx
कितना होगा अकेला तो एक आंसर आ गया 5 बाय x. इसको सॉल्व करो, वो नहीं पता. हाँ बोलो, एलएलसीएम में तुम पहले कन्वर्ट करना पड़े. हाँ 5 बाय ये तो है नहीं, लेकिन मैंने एक बेस से रूल दिया, देखो उससे ही को इंट्रोड्यूस लेके आओगे इसे. तो लॉक का जो रूल दिया मैंने वो दिया तो इसलिए ना, तो उसको लेके आओगे इसे. नहीं आया अभी. नहीं नहीं एल एन एक्स. हाँ उसके बाद डिफरेंशिएशन करना था, वो डिवाइड एक्स फाइंड आउट करना, यानी वाई एक्स फाइंड आउट. वो तुमने अभी तो मतलब तुमने उसको कन्वर्ट किया होगा तो उसके बाद रूल लगाओ. कौन सा? ना 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 क्वेश्चन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है. तो सबसे पहला रूल है वो लगे, अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो डिफरेंशिएशन में क्या करो, वही चीज करो, बस वो कांस्टेंट ना. जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ आर इज इक्वल टू जी साइन एक्स, क्वेश्चन टू लगाओ जी टू साइन एक्स, सही. हम क्या करेंगे, dy/dx क्या हो रहा है, इसी पॉइंट तो क्या आ रहा है ना, g cos x. क्यों तो sin x का तो cos x था ना, तो g का थी कुछ कर लेंगे. तो ये सीधे रूल को कहेंगे से जो है तो हो गया, तो होना तो यही है. ये हम फाइल दिया हूं, हां 25 में नहीं होगा, बेस तो ई आएगा ना कुछ. सी के जगह ई पुट करो ना. भाई देखो ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ ई बेस के लिए वैलिड है. ये जो डिफरेंशिएशन वाला रूल है ना, ये सिर्फ ई बेस के लिए वैलिड. अब ई बेस में चेंज करो, तभी तो मैंने क्या तुमको उतना हथियार मैंने दे दिया, उतना टूल्स मैंने दे दिया जिससे कि क्वेश्चन हो सकता है. बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और टूल को यूज करो अच्छे से, पेशेंटली यूज. तो मैं फर्स्ट स्टेप कर देता हूँ. y is the log x. हाँ नहीं, 5 x तो नहीं होगा ना. देखो log 5 log x base 5 का तो डिफरेंशिएशन करेंगे इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो रूल है वो सिर्फ ln x की है. ln x का मतलब होता है log x base e, ठीक है ना. इसको लिख लो, ln x means log x base e, यानी हमारे जो रूल है वो सिर्फ log x base e के लिए वैलिड है ना. देख रहे हो ना तुम लोग, अभी किसने आंसर निकाला क्या अभी तक? आंसर तो अभी तक नहीं आया. बोलो ठीक है, मैं इसको ट्रांसफर करता हूं. पता है कैसे, log x base 5 को मैं लिखूंगा as log x base e upon log 5 base e, ठीक है. यानी इसको एक काम करो, लिख दो as 1 upon log 5 base e, याद रखना 1 upon log 5 base e वाला जो चीज है वो एक कांस्टेंट है ना, into log x plus c. log x plus c क्या है, ln x. यानी अब y आ गया 1 upon log 5 plus c into ln x. अरे अब तो एक काम करो, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ सर. तो therefore dy dx कितना आ जाएगा? नहीं therefore dy dx क्या आएगा, ln x का तो 1 by x आएगा, और ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो constant ही रहता है. यानी 1 upon log 5 base e into 1 by x. अब मैं एक और रूल बताता हूँ, ठीक है.
इसके असर कोई फायदा नहीं मेरे ख्याल से, ये वाला आंसर ही गुड एनफ। पर अगर चाहो भी अगर मॉडिफाई करना तो इन दैट केस वन बाय वन बाय एक्स तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको उठा के ऊपर ले जा सकते हैं लॉग की बेस पे, बट इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है। पता क्यों नहीं बेनिफिट है? क्योंकि लॉग टेबल ना मार्केट में मिलता है उसमें सिर्फ दो ही बेस का है, एक टेन बेस का और एक ई बेस। अब यहाँ पे तुमने बेसिक बदल दिया फाइव, इसका वैल्यू भी नहीं पता करता हूँ, इससे अच्छे इजी फॉर्मेट है। क्यों? लॉग फाइव बेस ई का वैल्यू चार, देखना दुकान में लॉग टेबल खरीदने को आता है तो उसमें उसमें जो है तुमको दो टाइप के लॉग के चार्ट, टेन बेस वाले का चार्ट मिलेगा लॉग वन बेस टेन और एक लॉग बेस ई वाला, लॉग वन बेस ई लॉग टू बेस ई लॉग थ्री बेस ई सब का वैल्यू, ये दोनों चार्ट तुमको जो है मिल जाएंगे लॉग। लेकिन अब तुम अगर इसको जबरदस्ती लॉग ई बेस फाइव बोलोगे तो गलत तो नहीं, क्योंकि तुमने रूल ही लगाया, क्योंकि वन अपन में अगर ये होता है तो ऊपर ले जाओ तो एक ही होगा, पैसा तुम चार्ट से वैल्यू भी नहीं निकाल पाओ।
आंसर चॉइस के कारण आता है, ठीक है, इसलिए वो पता चला डॉक्टर वाला पेज तो खाली है, इसका दिख रहा ही नहीं, और पता चला पेज 23 में लिखा है 2 का ये ठीक का 20 का तो सब पेज तो लट रहे कि कहां आंसर चल रहा है, इसलिए डॉक्टर वाला बैन करके एग्जाम हम दे देते हैं। अगर कहीं ऐसे क्वेश्चंस होंगे दो चार जिसमें डॉक्टर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता तो लॉन्ग टेबल को छाप देते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये थी जैसे बीच में हमने क्या किया लॉन्ग टेबल बैन कर दिया, फिर पता कैसे करना, जैसे क्वेश्चन बन गया use log 29.32 is equal to इतना, यानी तो लोगों को हिंट मिल गया कि इसको तो ये लोग आना है एंड में, उसको ऐसे हिंट ले जाए कि इस नंबर को कहां से ला जाए, क्या चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ रहा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए उन्होंने वही छोड़ दिया, आप लॉग टेबल के एक पेज छाप दो, पे लॉग टेबल इससे निकाल चलो। एनीवे आज के लिए इतना ही है ना, तो कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना तो नहीं इसमें से, ये लास्ट वाला हो गया, समझ आ गया सैंतन? मतलब सर 17 में कितने बजे? 17 में 11 बजे। ओके सर आ जाऊंगा फिर। चलो ठीक है, 17 में आ जाओ फिर। Okay, sir. Okay.